हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। अगर आपको पता है, मैं पहले कैनन कैमरा यूज़ करता था। एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे सारे एक्सेसरीज एक ब्रांड पे कन्फाइंड रहता है, सारे जो सेटिंग्स हम उस कैमरा के हिसाब से एडजस्ट हुए रहते हैं। बट अब तक तो मेरा किसी एक ही ब्रांड के ऊपर कोई ज़्यादा प्यार नहीं है। अगर कोई दूसरा ब्रांड में कोई अच्छा कैमरा आया, देन आई शिफ्ट टू दैट ब्रांड। थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इट्स फाइन। एक डेढ़ साल पहले एक ऐसे टाइम था जब सोनी में काफ़ी अच्छा मिररलेस कैमरा आ रहा था। सोनी A7 III वॉज एन ऑलराउंडर। जब मैंने शिफ्ट किया, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आया, बट आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट द कलर्स। कैनन में पोर्ट्रेट मोड में जो कलर्स आता है, मैं यूजुअली रॉ में क्लिक करता हूँ। जब वो पोर्ट्रेट मोड में चेंज कर देता हूँ, द काइंड ऑफ स्किन टोन वी गेट वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। अगर आप उस रॉ फाइल को लाइट रूम में देखोगे, और लाइट रूम में जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड पे वो शफल करके देखेंगे, आपको वो पता चल जाएगा। हल्का सा वो कलर्स वाइब्रेंट होता है, थोड़ा सा पिंकिश होता है, और स्किन टोन्स काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि स्किन में जो डार्क कलर्स होता है उसको हल्का सा रेडिश बना के स्किन में थोड़ा सा ग्लो लेके आ जाता है। ये हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन मुझे ये मैटर करता था। मैंने शिफ्टेड टू सोनी पोर्ट्रेट मोड में डालने के बाद भी मुझे वो रिजल्ट्स मिल नहीं रहा था। अलग अलग चीज़ें कोशिश किया, वो हुआ नहीं। कुछ मंथ्स मैंने स्ट्रगल किया है, लेकिन फाइनली एक YouTube वीडियो में उसका सीक्रेट मुझे पता चला। हो सकता है कि आपको पहले से ही पता हो, बट आई टेल यू व्हाट आई लर्नड। भले ही एग्जैक्ट कैनन कलर्स ना आए, लेकिन काफी हद तक वो कलर्स को ये रेप्लिकेट कर देता है। लेट्स चेक आउट इन द लाइट रूम। देखो, ये जो पिक्चर है, इट इज डीसेंट, इट इज गुड, लेकिन ये जो चेहरे का जो स्किन टोन है ना, इट इज नॉट दैट ग्रेट। दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टन सेटिंग्स जो रॉ में क्लिक किया गया है। जब मैं कैनन यूज़ करता था, इट वुड बी समथिंग एल्स। कैनन में क्या करना होता था, वैसे भी रॉ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडोब कलर, यहाँ पे क्लिक करो पोर्ट्रेट एंड इट वुड चेंज। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट और राइट में, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देर इज़ हार्डली एनी चेंज, एंड किसी भी तरीके से बेटर नहीं हुआ है। इट्स ईदर सेम और प्रॉबली वर्सन। मतलब कहीं ना कहीं एक डार्कनेस है, एक ग्लो नहीं है चेहरे में। Now, this is all about settings. यहाँ पे अगर हम लोग डिफॉल्ट प्रोफाइल्स में नहीं जाके ब्राउज में अगर जाएंगे, ब्राउज में जाके कैमरा मैचिंग, ये वाला ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन जो लाइट है, आप देखते रहना यहाँ पे आफ्टर में जो चेंजेस होता है। एज सून एज आई होवर दिस माउस ऑन लाइट, यहाँ पे देखो कैसे अचानक एक तरीके से कलर बूस्ट मिलता है, एक तरीके से ग्लो आ जाता है। सो आई सेलेक्ट दैट। अब देखो, जब मैं जूम करता हूँ, एक हल्का सा ब्राइटनेस, एक कलरफुल वाला एक चीज़ आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि आसपास ग्रीनरी से सराउंडेड है, थोड़ा सा ग्रीनिश है, बट दैट्स ओके। हम लोग इसको क्लोज करेंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके टिंट जो है वो टूवर्ड्स पर्पल कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन भी कम हो जाता है हल्का सा भी। जब एक्सपोजर हम ज़्यादा कर देते हैं, एक फाउंडेशन प्रोफाइल हमें मिल जाता है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, देन यू हैव द सॉल्यूशन नाउ। अभी इस फोटो में बहुत एडिट करना बाकी है, लेकिन एक जो बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है कलर्स का, वो हमें मिल जाता है। ये कैनन में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है, एंड इयर्स टुगेदर में वही यूज करता था, लेकिन सोनी में हमें थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। अब एक फोटो में एडजस्ट हो गया, सारे फोटो में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, आप सेम इफेक्ट्स कॉपी कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि सोनी का जो कलर्स है वो कैनन से मैच नहीं करता है। मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन मैं जानता था कि कोई ना कोई ऐसे सेटिंग होगा। फाइनली आई एम रिलीव्ड बिकॉज आई हैव दिस सेटिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको ये ठीक लगा, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लेट मी नो बाई हिटिंग द थम्स अप। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।